Third year students, in this question number 14 of my sheet, and the question is line formed by joining minus 1, 1 and 5, 7. 5, 7 और minus 1, 1 के जरिए जो line segment बनेगा उसको divide कर रही है एक line x plus y is equal to 4 in ratio of, जिस ratio में ये line divide कर रही है दिए हुए लाइन सेगमेंट को, वो रेशियो निकालना है. दैट इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम वन और एम वन एंड एम टू और जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड के. ओके, व्हाट वी हैव टू फाइंड, टू फाइंड के, के किसके बराबर होता है, एम वन अपॉन एम टू के बराबर होता है. तो एम वन एम टू नहीं लिखेंगे हम, उस खाली के को निकालेंगे. ठीक है बच्चों, बात समझ में आती है. नाउ एक फिगर बना लेते हैं. फिगर बनाने के लिए दो पॉइंट ले लेंगे हम. ओके, सपोज ये पहला पॉइंट है माइनस वन और वन, है ना. तो ये कौन सा पॉइंट कहलाएंगे, एक्स वन और वाई वन कहलाएंगे, इसको याद रखिएगा. और ये दूसरा पॉइंट है फाइव कॉमा सेवन, ये कौन से पॉइंट कहलाएंगे, एक्स टू कहलाएगा और y2 कहलाएगा. राइट, ओके. तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे. नाउ लेट मी चूज अनदर कलर फॉर द लाइन सेगमेंट, फॉर द लाइन दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 4. सपोज द लाइन इज दिस वन, है ना. इसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू 4. ओके, और ये लाइन इस पॉइंट पर काटती है. ओके, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है. सपोज दिस पॉइंट इज पी एंड लेट मी चूज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट. ओके, कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के क्या होंगे, जर्नल तो एक्स वाई होंगे और यहाँ पर एक्चुअली में दे भी रखा है. तो मैं ये मानता हूं कि इसको मैं दूसरा लिख लेता हूँ कुछ. सपोज मैं लिखता हूँ आपके एक्स डैश एंड वाई डैश. ओके, ये दो पॉइंट हैं, एक्स डैश और वाई डैश. नाउ व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दीज टू पॉइंट, these two the coordinates or this point P. Speciality क्या है इसकी, speciality ये है कि ये point P x plus y is equal to 4 पर भी lie कर रहा है और इस line पर भी, इन दोनों पर lie कर रहा है. बताओ बच्चों ये बात समझ में आती है. Now what is the actual thing that you must understand, that point P. बच्चों इस सवाल को खाली आपको समझना है, इतना लंबा है नहीं ये, मैं आपको इसकी बारीकी समझा रहा हूं इसलिए लंबा हो रहा है. ठीक है, तो इसको डरना नहीं है आपको. पॉइंट पी लाइज ऑन बोथ, दैट इज लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड लाइन सेगमेंट, इसको मैं नाम दे दूं ए और इसको नाम दे दूं बी. लाइन सेगमेंट ए बी, ए बी पर भी लाई कर रहा है और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 पर भी लाई कर रहा है. क्या ये बात समझ में आती है सब बच्चों के, खास तौर से जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, क्या उनके ये बात समझ में आ रही है. बोलो भाई अमान, यहां तक समझ में आ रहा है सबके. जबीउल्ला, ये समझ में आ रही है बात बेटा. नहीं आ रही है, तुम लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो सर. एक बार फिर समझा दीजिए. आ रही है नहीं आ रही है, नहीं. अरे जोर से बोलो ना भाई, मेरी आवाज तुम्हारे पास आती है जोर से या नहीं? नहीं, नहीं आ रही है आपकी बात समझ में. नहीं. ये पॉइंट जो पी है, ये पॉइंट जो पी है, ये वाला, ये पॉइंट इस लाइन पर भी है और इस लाइन सेगमेंट पर भी है. ये बात समझ में नहीं आ रही, बस इतनी सी बात. हाँ समझ में आ रही है, बस यही समझाना चाह रहा हूं. तो ये पॉइंट दोनों पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात याद रखना. अब हम ये कहते हैं
कि इस ये वाला जो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को के रेशियो में डिवाइड करता है ना, ये जो हमने जो निकालना है उसमें डिवाइड करता है। तो ये बताओ बच्चों मैं एक्स डैश कैसे लिखूंगा, एक्स डैश कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, अच्छा एक्स डैश तो मुझे पता ही नहीं है और के भी पता नहीं है, तो के मैं क्या लिखूंगा, के बाद क्या लिखूंगा, एक्स टू। व्हाट इज एक्स टू, एक्स टू इज हियर, तो फाइव के लिखूंगा प्लस एक्स वन कहां पर है, एक्स वन यहां पर है, एक्स वन की जगह मैं क्या लिखूंगा माइनस वन लिखूंगा, नीचे क्या लिखूंगा के प्लस वन, दैट इज एक्स डैश इज इक्वल टू फाइव के माइनस वन अपॉन के प्लस वन। क्या ये समझ में आ गया सब बच्चों के? ओके, वाई डैश कैसे लिखूंगा, वाई डैश यानी ये वाला पॉइंट कैसे लिखूंगा, अगर ये पॉइंट के टू वन में डिवाइड कर रहा है तो वाई डैश कैसे लिखूंगा, वाई डैश लिखूंगा के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन। नाउ लेट मी पुट द वैल्यूज, के को तो मैं के ही लिखूंगा, व्हाट इज दिस वाई टू, वाई टू इज सेवन, ओके, व्हाट इज दिस वाई वन, वाई वन इज वन डिवाइडेड बाई के प्लस वन। ओके, यहां तक समझ में आ गया? लेट मी चेंज द कलर, कलर चेंज करने से आपको फायदा ये होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कोई, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब मुझे ये बताइए ये एक्स डैश और वाई डैश जो दो कोऑर्डिनेट हैं क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं? करेंगे ना, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि ये पॉइंट पी जो है ये दोनों पर है, इस पर भी है और इस पर भी है। तो मैं कैसे लिख दूं इसको, एक्स डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू फोर ना लिख दूं मैं इसको, बोलो जरा समझ में आ रही है बात या नहीं? यस सर, बहुत आसान। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, अब मैं क्या लिखूंगा फाइव के, सॉरी फाइव के माइनस वन अपॉन के प्लस वन प्लस सेवन के प्लस वन अपॉन के प्लस वन इज इक्वल टू फोर। क्या समझ में आ गई? अब इसको मैं आराम से फाइव के माइनस वन प्लस सेवन के प्लस वन इज इक्वल टू फोर के प्लस फोर लिख सकता हूं, मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ठीक है, कर सकता हूं। पांच के सात के कितने के हो गया, बारह के, प्लस वन माइनस वन कट गया, कट जाएगा, क्या बात समझ में आती है? ठीक है, इज इक्वल टू फोर के प्लस फोर, बारह के इधर ले आए तो कितना हो जाएगा आठ के इज इक्वल टू फोर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, के विल बी इक्वल टू फोर अपॉन ए, हेंस के इज इक्वल टू वन अपॉन टू। क्या मेरे समझ में आया सबके बच्चों? ये इतना सारा मैंने जो बोला है एक्चुअली में इतना लंबा आपको करना नहीं है, ये तो मैंने आपको डिटेल में समझाया। तो आंसर क्या होगा, वन इज टू टू होगा। क्या समझ में आ गया सब बच्चों के ये क्वेश्चन? यस सर, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन।